सत श्री अकाल प्यारे बच्चो, आज असीं विस्तृत विधि दे राही गुणा करने सिखांगे। ते आओ सिखिए बच्चो, तुसी तीन अंकां नूं दो अंकां नाल गुणा करने सिख चुके हो। तुसी ए वी देखिया कि संख्या दे विच ही उसदा विस्तृत रूप लुकिया हुंदा है। तुसी हुण तक जिहड़ी भी गुणा कर रहे सी ओ विस्तृत विधि राही ही सी। अज असीं उसे विस्तृत विधि राही एक बार फिर गुणनफल पता करांगे। बच्चो, गुरनूर दुकान तो कापियां लैन गई सी ते एक कापी दी कीमत है 52 रुपए। उसने अजिहियां 7 कापियां लईयां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तां दुकानदार नूं किन्ने रुपए दित्ते? 52 रुपए 7 वार। बच्चो, असीं 50-50 दे नोट अलग कर लैंदे हां ते 2-2 रुपए दे नोट अलग कर लैंदे हां। देखो हुण बच्चो, एक कापी दी कीमत है 52 रुपए ते अजिहियां 7 कापियां दी कीमत असीं पता करनी है। तां असीं 52 × 7 नूं हल करके देखदे हां। हुण असीं 52 नूं मान कर नाल भी देख लैंदे हां। 52 दा विस्तृत रूप है बच्चो 50 + 2। देखो इधर भी साडे कोल बच्चो एक पासे 50-50 दे नोट हन ते दूजे पासे 2-2 दे। इसी तरह इधर भी साडे कोल एक पासे 50 है ते एक पासे 2। संख्या 52 नूं असीं 50 ते 2 विच तोड़िया है। इस दे नाल ही बच्चो असीं संख्या 52 नूं विस्तृत रूप विच लिख लैंदे हां, 50 + 2 × 7। बच्चो हुण असीं 50-50 रुपए दे नोट गिण के देखदे हां कि किन्ने हन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। साडे कोल 50-50 रुपए ते 7 नोट हन। तां इधर असीं लिख लैंदे हां 50 × 7। हुण देखदे हां बच्चो 2-2 रुपए दे नोट साडे कोल किन्ने हन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरह इत्थे असीं लिखदे हां 2 × 7। हुण बच्चो असीं 50-50 रुपए दे नोटां दी राशि गिण के देखदे हां कि किन्नी है। 50 + 50 = 100 + 50 = 150 + 200 + 50 = 250 + 50 = 300 + 50 = 350। इस तरह इत्थे असीं लिखदे हां 50 × 7 = 350। इसी तरह बच्चो हुण असीं 2-2 रुपए दे नोटां नूं गिण के देखदे हां कि किन्ने हन। 2 + 2 = 4 + 2 = 6 + 2 = 8 + 2 = 10 + 2 = 12 + 2 = 14। इस तरह इत्थे असीं लिखदे हां 2 × 7 = 14। हुण बच्चो असीं सारी राशि गिण के देखदे हां कि किन्नी है। 350 + 2 = 352 354 / 356 / 358 / 362 / 368 / 362 / 362 / 362 / 362 / 364। इस तरह बच्चो इधर भी अपने को आ जांदा है 350 + 14 = 364। इस तरह बच्चो असीं विस्तृत विधि राही देखिया कि 52 × 7 = 364 हुंदा है। गुरनूर ने 7 कापियां लैण दे लई दुकानदार नूं 364 रुपए दित्ते हन। बच्चो, गुरनूर ने दुकान तों 5 कटोरियां भी खरीदियां। एक कटोरी दी कीमत है 121 रुपए। तां ओह दुकानदार नूं 121 रुपए किन्नी वार देवेगी? 5 वार। बच्चो हुण असीं 100-100 रुपए दे नोट, 20-20 रुपए दे नोट अते 1-1 रुपए दे नोट अलग करके रख लैंदे हां। एक कटोरी दी कीमत है 121 रुपए ते अजिहियां 5 कटोरियां दी कीमत असीं पता करनी है। ते बच्चो असीं 121 × 5 नूं हल करके देखदे हां। हुण असीं संख्या 121 नूं मान कार्ड राही देखदे हां। 121 दा विस्तृत रूप है 100 + 20 + 1। हुण बच्चो देखो इधर भी 100, 20 ते 1-1 रुपए दे नोट हन। इधर भी साडे कोल संख्या 100, 20 अते 1 है। इस दे नाल ही असीं संख्या 121 नूं तोड़ के लिख लैंदे हां, भाव विस्तृत रूप विच लिखदे हां 100 + 20 + 1 × 5। हुण असीं 100-100 रुपए दे नोट गिण के देखदे हां कि किन्ने हन। 1, 2, 3, 4, 5। तां बच्चो इधर असीं लिखदे हां 100 × 5। इसी तरह 20-20 दे नोट देखदे हां किन्ने हन। 1, 2, 3, 4, 5। तां इधर असीं लिखदे हां बच्चो + 20 × 5। 1-1 दे नोट गिणदे हां 1, 2, 3, 4, 5। तां इत्थे असीं बच्चो लिखदे हां + 1 × 5। हुण असीं 100-100 रुपए दे नोटां दी राशि देखदे हां कि किन्नी है। 100, 200, 300, 400, 500। तां इत्थे असीं बच्चो लिखदे हां 100 × 5 = 500। हुण 20-20 दे नोटां दी राशि देखदे हां 20 + 20 = 40
जमा भी साठ जमा भी अस्सी जमा भी सौ। तो इतने असी बच्चो लिखते हाँ भी गुणा पांच बराबर सौ। हुण एक एक दे नोटां दी राशि देखते हाँ, एक दो तीन चार पांच। तो इतने बच्चो असी लिखते हाँ एक गुणा पांच बराबर पांच। हुण असी सारी राशि मिला के देखते हाँ कि किन्नी है, पांच सौ जमा सौ छे सौ, छे सौ एक छे सौ दो छे सौ तीन छे सौ चार छे सौ पांच। इस तरह इथे असी लिखते हाँ पांच सौ जमा सौ जमा पांच बराबर छे सौ पांच। इस तरह असी विस्तृत विधि राही देखा कि एक सौ इक्की गुणा पांच बराबर छे सौ पांच हुंदा है। अते गुरनूर ने पांच कटोरियां खरीदने लई दुकानदार नूं छे सौ पांच रुपए दिते हन। अज दे घर दे काम विच बच्चो तुसी अभ्यास 2.4 दे दूसरे सवाल दे इस सारे भाग हल करने हन, जिस तरह अज असी इन्हां सवालां नूं हल कीता है। थैंक यू।